हेलो, शादी। हम सब जानते हैं इंडियन वेडिंग कैसी होती है। और ये हट, मैं लाइन में पहली लगी थी। गोलगप्पा पहला मेरा है। शर्मा की लड़की को देख कैसे आधे फटे कपड़े पहन के आती है। हाँ, ऐसा बहुत कुछ। चलो तुम लोगों को अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। दीदी दीदी, एक छोटी बच्ची में बर्फ नहीं डालना। खुद को मॉकटेल की स्पेलिंग आती नहीं होगी। चलिए अपने से 1 साल छोटी लड़की को बच्ची बोलने वाली। अबे ओए, मेरी लहंगी सेट। ओह सॉरी, ये लड़कियों को इतना भयानक स्टफ पहनने की ज़रूरत ही क्या है। पार्टी में आए हो, एंजॉय करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा मत पहनो, पर प्लीज़ इसे छोटा मतलब बैलेंस रखो। पूरी शादी में पोछा लगाते फिरते हो। एक बार तो ऐसा था कि गलती से मैंने किसी के लहंगे पर पैर रख दिया था। और भैया एक चार्ट देना। चलो मेरा तो हो गया। हाँ एग्जैक्टली। और यार चलो ये भी ठीक, किसी किसी से संभाला ही नहीं जाता। अरे यार जब संभाला ही नहीं जाता है तो पहनते क्यों हो। तुम बॉयज ना हमें समझ नहीं पाओगे, समझना भी नहीं चाहते। और कुछ लोग तो सिर्फ ये करने आते हैं। अच्छा तू बड़ा ज्ञानी बन रहा है, तू कैसा है ये तो बता दे। आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अरे चलो चलो, ऐसे पागल लोग तो शादी में मिलते रहते हैं। हाँ चलो चलो, कोई बात नहीं ब्रो, हम सब एक जैसे ही हैं क्योंकि वी आर इंडियंस। हमारी शादी में भले ऐसे लोग आते हों, पर हम किसी भी गलत भाव से नहीं आते। हम इंडियन सारे रिश्ते को बहुत प्यार से निभाते हैं और हर त्यौहार में इतने अच्छे से रहते हैं, तभी तो हम इंडियंस इतने यूनिक होते हैं। चलो चलो, आज का कार्यक्रम समाप्त। जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले, बाय बाय।